तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये बाकी सब लोग किधर है? बबीता भी नहीं है। ये सब लोग गए किधर? भाई उस बदमाश ने इसको पकड़ तो नहीं लिया होगा ना? अरे ये लोग ढूंढ रहे हैं, तब तक मैं नीचे देख कर आता हूँ। उसे बोलू छू, सुनो कोई आ रहा है। सब लोग तो छुप जाते हैं। कहीं सुनीता ने बताया था वो भूत तो नहीं होगा? क्या अंजलि, भूत भूत कुछ नहीं होता है। चाचा जी अगर भूत होता तो उसके पैरों की आवाज आती है। मुझे लगता है ये वही बदमाश होगा जो हमें कब से परेशान कर रहा है। मुझे भी लग रहा है ये वो ही है। तो हो सकता है जो टेरेस पे गए हो उनमें से कोई आ रहा हो। पर कोई अकेला क्यों आएगा? हाँ अगर आएंगे तो सब साथ में ही आएंगे ना। वो देखो परछाई। उनकी परछाई उठी है? और पता मुझे तो लगता है ये वही बदमाश है जो कब से हमारे साथ खेल खेल रहा है। तो मेहता साहब मैं क्या बोलता हूँ, वो हम पे हमला करे उसके पहले हम ही उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। अय्यर भाई आप? हाँ मैं। मतलब ये सब आप कर रहे हैं? ये सब ये कर रहे हैं? हाँ बापू जी। अरे ऐसा क्यों कर रहे? अरे चाचा जी ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप लोग ऊपर नहीं आए इसलिए देखने के लिए आया कि आप लोग किधर हैं। पर अय्यर तुम ऐसे दबे पाँव क्यों आए? मैं दादा मेरे को लगा कि आप लोगों को किसी ने रोक लिया है इसलिए धीरे से देखने आया। सॉरी अय्यर, हमें लगा कि ये वो बदमाश है जिसने हमें परेशान करके रखा है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आप सब लोग यहाँ क्यों रुक गया? अरे वो सब लेडीज लोगों को थोड़ा डर लग रहा था तो हमने सोचा कि यहीं पे रुक के आप लोगों का इंतजार करते हैं, बराबर ना बबीता जी? अय्यर अभी तुम भी यहीं पे रुक जाओ प्लीज। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। ओए किधर छुपा है जो मिल नहीं रहा है? मिल गया मिल गया मिल गया। क्या है? ये रहा। अच्छा वो नीचे हमने फटाका फूटते हुए देखा था ना, मिल गया। अरे फटाका तो मिला लेकिन फटाका फोड़ने वाला पता नहीं कहाँ छिप के बैठा है, कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ एक मिनट, वो तो नहीं दिख रहा लेकिन अय्यर भी नहीं दिख रहा है। अय्यर कहाँ है? हाँ बाकी सोसाइटी वाले भी नहीं दिख रहे, वो सब कहाँ रह गए? तो यारो हो सकता है किसी वजह से सोसाइटी के बाकी लोग नीचे रुक गए हो। अरे वो लोग नीचे रुक गए होंगे सोड़ी, लेकिन अय्यर तो हमारे साथ ही आया था ना। कहीं उस बदमाश ने अय्यर को पकड़ ना लिया है? उतरे अरे देवा पता अय्यर ना शोधा। अय्यर अंकल इन लोगों को तो आने में बहुत टाइम लग गया, हमको ऊपर जाकर देखना चाहिए। ऐसे मॉल में हम सबको साथ में रहना चाहिए। ओके बापूजी। क्या ओके? ऊपर जाए ना, हम लोग जा रहे हैं तो हमें भी जाना ही पड़ेगा ना, जाना ही चाहिए ना। हाँ, चलो चलो। अय्यर
अय्यर, अय्यर भाई, अय्यर ब्रा, अय्यर ब्रा, अरे अय्यर भाई, अय्यर, अय्यर अंकल, अय्यर ब्रा, अय्यर अंकल, अरे कहीं नहीं है यार अय्यर भाई, नहीं, नहीं अय्यर अंकल, चलो चलो नीचे जाके देखते हैं, चलो आ जाओ, अय्यर, अय्यर अंकल, अय्यर भाई के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो तो अच्छा है। ओए तुसी फिकर ना करो, और रोशन सिंह छोड़ी के होते हो, किसी को कुछ नहीं होगा। आश, अय्यर भाई ठीक है। ओए आप सब ऊपर कितने जा रहे हो? ऊपर टेरेस पर। अभी ऊपर जाके कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्यों? टेरेस पे कोई नहीं मिला? नहीं। मिला ना? पटाका, पटाका मिला ना? ओए यारो, उस पटाका फोड़ने वाले बदमाश को तो मैं छड़ांगा नहीं। तो भूत को कैसे छड़ेंगा नहीं? ओए रोशन डार्लिंग, वो भूत नहीं है, वो इंसान है कोई। ये गाना कौन बजा रहा है? आ, वो भी इस वक्त तो कंपाउंड से आवाज आ रही है। ये कैसा गाना है? ये हमें गाना सुना के डरा रहा है, और मैं उसे डरा डरा के गाना सुनाऊंगा। और चलो मेरे नाल। चलो 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 बापू जी संभल। आ गया है तूफान, आ गया है तूफान, होगा बड़ा हंगामा और होगा अब धमाल, होगा अब कमाल, होगा अब हमार। आ गया है तूफान, 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 आ गया है तूफान। मैंने बोला था ना कि कंपाउंड से आवाज आ रही है, कंपाउंड के बीचों बीच स्पीकर रखा है किसी ने। इसका मतलब जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तभी कोई हमें देख रहा था, हमारे जाते ही उसने यहाँ स्पीकर रख दिया। अरे कौन है वो? इतनी रात गए ऐसे सोसाइटी में स्पीकर बजाना गैरकानूनी है। अरे भाई तू अपना वॉल्यूम क्यों बढ़ा रहे हो, स्पीकर का वॉल्यूम कम कर। अरे तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है ना भाई। आ गया है तूफान, स्पीकर माजा नहीं है। आ गया है तूफान, अरे तुझा ना है पर जाचा है तो इतने ना है ना। और अगर सोसाइटी में कोई गैर कानूनी हरकत होती है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी तो सेक्रेटरी की होती है ना। नहीं नहीं जिसका भी स्पीकर है आकर बंद कर दो, मैं तीन तक गिनूंगा, नहीं तो आ गया है तूफान, नहीं तो मैं खुद बंद कर दूंगा। आ गया है तूफान, तो पहले ही बंद कर देना चाहिए ना, तीन तक गिनने की जरूरत क्या है? तो मुझे क्या बोल रहा है उसे बोल। एक गिनती चालू हो गई। बम की टिक टिक सुनाई दे रही है बाबूजी।
जेठालाल ये बम की टिक-टिक नहीं है, गले की खिचखिच है। उधर क्या देख रहे हो? उधर क्या? वो उधर देख नहीं रहा हूँ, इधर से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। आ गया है तूफान। इतनी जोर से गाना बजा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? आ गया है तूफान। वो गाना सुनने की नहीं, बम की टिक टिक सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। और होगा अब धमाल। सुन 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 रोशन, कमाली ने होगा अब कमाल, होगा अब धमाल। आ गया है रोशन, कमाली दूसरे दूसरे है तूफान। आ गया है तूफान, आ गया है तूफान, होगा बड़ा हंगामा और होगा अब धमाल, होगा अब कमाल, होगा अब धमाल। आ गया ओ, इसमें से तो कोई बॉम्ब की टिक टिक की आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, ओ यारो, वो कोई डरने की बात नहीं है, कोई बॉम्ब बॉम्ब नहीं है, मैंने खुद तसल्ली की है। ये नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर है, कोई ब्लूटूथ से स्पीकर बजा रहा है। थैंक यू सोड़ी भाई। वाह 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 सोड़ी, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्त। हाँ तो दे। क्या? दाद। अरे अभी जो बोला उसी को दाद देना बोलते हैं। हाँ सोड़ी। अपो पता नहीं जी, आज तक कभी दाद नहीं मिली, हिम्मत दिखाने पर सिर्फ डांट ही मिली है। अरे भाई अच्छा हुआ तूने स्पीकर बंद कर दिया, नहीं तो ये तूफान आ गया, तूफान आ गया, सुन सुन के दिमाग बंद हो जाता। हाँ बराबर, सही बात है। समझ नहीं आ रहा कि ये स्पीकर यहाँ पर किसने रखा हो? भूत ने। ओ ना जी ना, ये पक्का किसी इंसान का काम है, और वो भी एक नहीं दो। दो, दो कैसे? वो सोचो यारो, जब हम पहले वाले को फॉलो करते हुए गार्डन में गए तो दूसरे वाले ने सखाराम की बत्तियां चालू कर दी और टेरेस में भाग गया, और जब हम सखाराम के पास आए तो वो दूसरे वाले ने जो टेरेस में था उसने पटाखा फोड़ा, और जब हम टेरेस में गए तो उस पहले वाले ने आके यहाँ पे स्पीकर रख दिया। बराबर पॉइंट है। तो अभी वो दोनों कहाँ हो सकते हैं? क्लब हाउस में। हाँ देखिए ना, क्लब हाउस का दरवाजा थोड़ा खुला है पर लाइट भी चालू है। सोड़ी अंकल, हम यही गलती कर रहे हैं। हमारे जाने के पहले आप चिल्ला देते हो कि हम आ रहे हैं, उस चक्कर में वो अलर्ट हो जाता है और भाग जाता है। नहीं नहीं, चलो चलो अभी घर जाते हैं हम लोग घर जाते हैं। हाँ चल, मैं भी आता हूँ। चल गुड नाइट, गुड नाइट, घर चलते हैं, घर चलो। गुड नाइट, चलो घर चलते हैं। चल जल्दिया, चलो घर जाके सोते हैं। चल गुड नाइट, चलो चलो। मैं तेरी जय तेरी फेर देनी है, वो ऐसी की तैसी कर देनी है तेरी।
माधवी ये क्या हो रहा है? रोशन मने ने बहु भीख लागे छे। अरे ये सब कहीं भूत तो नहीं कर रहा? कहीं भूत ही कर रहा होगा। जल्दी भूत। बापूजी भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है ना मेहता साहब? हाँ बाबा भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता है। तो फिर ये सब कौन कर रहा है? ये क्लब हाउस में डिस्को लाइट किसने लगाई है? सोसाइटी में ये सब क्या हो रहा है? किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। अरे भेड़िया ये सब तुझे पता होना चाहिए। अरे मुझे क्यों पता होगा पोपटलाल? मुझे तो ये सोचकर परेशानी हो रही है कि भी सोसाइटी का लाइट बिल बढ़ने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी सोसाइटी में अचानक ये सब क्या हो रहा है? तेज तर, पहले हम सबके घर पे गिफ्ट्स का आना, फिर सकरम की हॉर्न, और फिर उस स्पीकर में आवाजें सुनना और ये लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ होना। कौन है ये जिसे हमने टेरेस पे गार्डन में हर जगह पे ढूंढा पर मिल ही नहीं रहा है? हाँ देखिए ना, हमको यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घुमा रहा है। अरे सिर्फ घुमा नहीं रहा है, साथ में डरा भी रहा है। पता ही नहीं चल रहा ये सब क्यों कर रहा है। पता तो तब चलेगा ना जब ये सब करने वाला मिलेगा। सब जगह तो ढूंढ लिया और कहाँ ढूंढे? टप्पू होता ना तो फटाक से ढूंढ लेता। पर टप्पू तो यहाँ नहीं है ना। ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। क्या मुझे पता चल गया ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ओए पिड़ू, ओए छेती दस, कौन है? ओ मैं सर से लेके पाँव तक उसके सारे पुर्जे हिला देने। हाँ। ओ ऐसी मरम्मत करूंगा ना कि उसे कोई रिपेयर नहीं कर पाएगा। बोल कौन है? अरे ये वही हो सकता है सोड़ी। अरे भाई तुझे पता है तो बता ना, क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है? हाँ तू सस्पेंस बढ़ा रहा है या मेरा डर बढ़ रहा है? ए, 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 जल्दी बता भेड़ा, बोल 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 कौन कौन है? हाँ। अरे कौन क्या जेठालाल? तुम्हारा सुपुत्र टिपेंद्र जेठालाल गढ़ा उर्फ टप्पू, वही होगा। क्या टप्पू? तुमने उसे ये सब करते हुए देखा? नहीं देखा तो नहीं। तो फिर तो ऐसे कैसे कह सकता है कि ये सब टप्पू ही कर रहा है? मेरा ऐसा अनुमान है क्योंकि ये सब टप्पू ही करेगा ना, इतना हंगामा वही कर सकता है। अच्छा लेकिन आज सुबह ही मेरी उससे बात हुई और उसने मुझे कहा मैं एक हफ्ते के बाद आ रहा हूँ अप्पा, उसका क्या? मेरी भी टप्पू से आज ही बात हुई थी और उसने यही कहा था बाबा। जो जो बोल हवे, तुझे तो हर बार कैसे भी करके टप्पू पे इल्जाम लगाना होता है। हाँ भिड़े मुझे नहीं लगता कि ये सब टप्पू कर सकते, क्योंकि टप्पू को वहां से यहाँ आने में कम से कम एक दिन तो लगेगा। ये बात तो है। सॉरी जेठालाल लेकिन फिर वो नहीं है तो फिर ये सब कौन कर रहा है? कौन होगा जो हमें डरा रहा है? तो उस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है कि कौन होगा और कहाँ होगा। बस वो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, वो जो भी है वो इस क्लब हाउस में ही है। अभी ढूंढ के निकालता हूँ और इस डिस्को लाइट की तरह उससे भी डिस्को डांस करवाता हूँ। अरे सोड़ी तू हमें इतना परेशान कर रहा है और तू उसे मजे से डांस करवाएगा? अरे मजे वाला डांस नहीं, वो सजा वाला डांस करवाऊंगा। नहीं नहीं बराबर है, फिर बराबर है। हाँ सही बात है, पर ये तब तो तब होगा ना जब वो हमको मिलेगा। ओए मिलेगा और अभी मिलेगा। मैंने छड़ सुनी है। ओए तू जो भी है वो एक बार नीचे गिनती कर चुका हूँ। अगर तू चाहता है कि तुझे सजा कम मिले तो मेरे तीन गिनने तक बाहर आ जा, नहीं तो मुझसे एक, एक, दो, दो। बोले दीन।
अरे बाप रे, लाइट ऑफ हो गई है। लड़ गई। आई, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुई थी? दोस्तों, भिड़े को ये अंदेशा हुआ कि ये सब कुछ टप्पू कर रहा होगा, लेकिन सोनू के पास अंदेशा था कि ये टप्पू नहीं होगा। अगर टप्पू ये सब नहीं कर रहा है तो फिर कौन कर रहा है? हंगामा अपनी सारी हदें पार कर चुका है, सरप्राइज की सीमा लांघ कर वो अब डर की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, कौन है जिसने लगाया है गोकुल धाम वासियों पे डर का पहरा? पहले गाना, फिर डिस्को लाइट, अब घंघोर अंधेरा। दोस्तों, गोकुल धाम वासियों का ये सफर घर की डोरबेल बजाकर सरप्राइज गिफ्ट मिलने से हुआ था, जो अब डर में बदल चुका है। भय, चिंता, न जाने कितने सारे रंग एक ही रात में गोकुल धाम वासियों ने देख लिए, और अब पता नहीं कितने रंग देखने बाकी है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्लब हाउस में अंधेरा करके ये क्या नया खेल खेलने वाला है? क्या गोकुल धाम वासियों पे नई आफत आने वाली है? ये काली रात गोकुल धाम वासियों को कौन से नए रंग दिखाएगी? क्या क्या होने वाला है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसी के समंदर में गोते लगाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.